हेलो एवरीवन, आज केमिकल वेदरिंग नहीं डिस्कस करब। एर आगे पार्ट वाने आमरा मेकानिकल वेदरिंग नहीं जेने जार लिंक ए वीडियो डेस्क्रिप्शन बक्से देवा थाकबे। केमिकल वेदरिंग आमार पाँचटा प्रसेस पाई ऑक्सीडेशन कार्बोनेशन हाइड्रेशन हाइड्रोलाइसिस एंड सल्यूशन। परपर आमरा देखे जाब किभाबे प्रसेसगुलो काज करे। प्रथमे आसा जाक अक्सिडेशन। अक्सिडेशने जलर मध्य जो जल थाके सेई जलर मध्य थाका अक्सिजें शिलार मध्य थाका विभिन्न खनिजेर संगे रासायनिक प्रक्रिया जुक्त हो जाए और तार मध्य एक धरनेर राष्ट्र बा मरीचे तैरि करे। आमरा एखाने रकेर मध्य देखते पाबो ए स्याम्पलेर मध्य जेखाने एकटा आमरा रेड अक्साइडेर छोप देखते पाबो। एटा होच्छे आमादेर जारण प्रक्रिया बा अक्सिडेशन प्रक्रिया। नेक्स्ट आमरा देख कार्बोनेशन जाके अंगार योजन बला है। ये अंगार योजन प्रक्रिया खनिज संगे कार्बन डाइऑक्साइडर एक रासायनिक बिक्रिया है। एक उदाहरण दिए आमरा बोलते पारी जेमन बिस्टिर जलर संगे बतासर कार्बन डाइऑक्साइड मिलित है तारपर सेटा कार्बनिक एसिड तैरी करे। ये कार्बनिक एसिड चूनापाथर संगे रिएक्शन करे एवं आल्टिमेटलि क्यालसियम बाइकार्बोनेटे परिणत है। एखाने आमरा देखते पाबो जेमन एखाने क्षय होयेछे एटा एकटा उदाहरण होच्छे कार्बोनेशन प्रक्रियार किभाबे सेटा एक्टिव होयेछे किभाबे ता काज करेछे। नेक्स्ट प्रसेस होच्छे हाइड्रेशन। हाइड्रेशन प्रक्रियाय शिलार मध्यस्थित खनिजेर संगे जल जुक्त हय आर तार सांगठनिक परिवर्तन घटे जाए। जेमन एखानेओ एकटा उदाहरण देवा आछे क्यालसियम सालफेट एर संगे जखन जल जुक्त हो जाए सेटा जिप्सामे परिणत हय। एइभाबे जे आबह विकारटा घटे सेटा होच्छे जलयोजन बा हाइड्रेशन। नेक्स्ट प्रसेस होच्छे आमादेर हाइड्रोलाइसिस। एखाने शिलार मध्यस्थित जल खनिज द्रव्यर संगे मिसे खनिजेर जे अणुगुलो आछे तार वियोजन घटाय आरेकटा नतून धरनेर जौगो तैरि करे देय। जेमन उदाहरण हिसेबे देखा जाए जे सिलिकेट खनिज जेमन होच्छे फेल्डस्पार अभ्र प्रभृतिर मध्ये एई धरनेर आबहविकার लक्ष्य करा जाए। नेक्स्ट प्रसेस आमादेर होच्छे सल्यूशन बा द्रवण प्रक्रिया। एटा आमरा खूब बेसि देखते पाई चूनापाथर गठित अंचले जेमन एखाने एकटा कास्ट रिजनेर मध्ये देखते पाच्छि आमरा। এখানে কি হয় যে শিলার মধ্যে থাকা কোনো খনিজ সেগুলো রাসায়নিক বিক্রিয়ে এমন একটা অবস্থায় পৌঁছে যায় যখন তা জলের সঙ্গে দ্রবীভূত হয়ে যায় আর এই যে পুরো প্রসেসটা এইভাবে হয় এটাকে আমরা বলি সলিউশন প্রসেস। যেমন আমরা বললাম যে কাস্ট রিজনের মধ্যে যেটা চুনাপাথর তা সেটা জলের সঙ্গে গলে গিয়ে দ্রবণ প্রক্রিয়ায় সেই এলাকাকে ক্ষয় করে। দ্যাটস অল ফর টুডে। থ্যাংকস for watching.